Oh my god, that's why you are beautiful. Thank you. You're welcome to Tajikistan. Thank you so much. Hi, how are you? भाई का जिन्होंने मेरी काफी मदद किया, यहाँ की दुशांबे की टैक्सियाँ कार्ड फॉर बस ताजिकिस्तान कंट्री का एफिल टावर नॉट ताजिकिस्तान. व्हाई आर यू नॉट सेलिंग ताजिकिस्तान ब्रांड? व्हाई प्रमोटिंग ओनली रशिया ब्रांड? टेल मी, यू डोंट लाइक ताजिकिस्तान? गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग. मैं हूँ अंस और अभी मैं हूँ यार अपनी सेंट्रल एशिया की थर्ड कंट्री ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान कंट्री का सबसे लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल दुशांबे. लास्ट का वीडियो गाइज अगर आपने देखा होगा कि मैं तैयार खुजान शहर में, और खुजान शहर से कल मैं हिच हाइकिंग करके पहुँचा हूँ अराउंड शाम के 3 बजे इस दुशांबे शहर में. और आते ही मुझे एक होस्टिंग मिली हुई है अपने इंडियन भाई से. गाइज आज है अपना फर्स्ट डे इस दुशांबे के सिटी सेंटर में, और मैं निकला हूँ आज दुशांबे शहर को एक्सप्लोर करने के लिए. तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस दुशांबे शहर का मेन डाउनटाउन एरिया, सिटी लाइफ, इवनिंग लाइफ, नाइट लाइफ, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इंडिपेंडेंस स्क्वायर वगैरह, यहाँ का बाज़ार, और साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि ये शहर कितना सस्ता और महंगा है. क्योंकि ताजिकिस्तान कंट्री को मैंने आपको बताया सेंट्रल एशिया का सबसे पोरेस्ट कंट्री बोला जाता है, बट इसके कैपिटल में कल से जब से मैं आया हूँ देख के तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है. आप खुद देखिए यहाँ पे किस तरह की हाई राइज बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर्स चारों तरफ मुझे दिख रहे हैं भाई. अब ये यहाँ का काफ़ी बड़ा सुपर मार्केट है, और कितने फ्लोर की बिल्डिंग है आप इसी से अंदाज़ा लगाइए अगर ऊपर आप देखोगे. चारों तरफ ये सिटी सेंटर है, डाउनटाउन एरिया इस दुशांबे शहर का, और इस स्ट्रीट को बोलते हैं मिर्जो तुरसुन जोदा स्ट्रीट. ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली कनेक्ट करता है मेन इनके हाईवे को, और ये है यहाँ की दुशांबे की टैक्सियाँ गाइस, पीली कलर की हैं, सब में नंबर लिखा हुआ है अलग अलग, और मसरुकता भी यहाँ पे इस तरह से चल रही है. तो ये खुजान शहर में मैंने आपको दिखाया था, तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ एक्चुअली यहाँ से. ये देखिए ग्रीन सिग्नल जला. तो दुशांबे शहर की जो पॉपुलेशन है ना वो 12 लाख के आसपास है. खुजान का जो पॉपुलेशन था वो अराउंड 2 लाख के आसपास. स्ट्रीट लाइट वगैरह देखिए, लैंप वगैरह इन्होंने इस तरह से लगाया हुआ है. अब इस तरह की बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देख के आपको क्या जरा भी लग रहा है कि ये सेंट्रल एशिया का सबसे गरीब देश है? मुझे तो दूर दूर से नहीं दिख रहा है. सामने ये देखिए स्केचर्स का शोरूम, मैट्स, ये कैफ़े है वेजिटेरियन के लिए. कल जब मैं यहाँ पे पहुँचा था ना तो जो सबसे पहला प्लेस था जहाँ पे मैं आया हुआ था वो था ये चितिर चिकन. तो एक्चुअली अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता यार, मेरे पास करेंसी ख़त्म हो चुकी है ताजिकिस्तान की सुमोनी. तो कल जब मैं आया था तो खाने के लिए मैं इस रेस्टोरेंट पर आया हुआ था, और यहाँ पर भी ना जब मैं पेमेंट उनको कार्ड से करने की कोशिश किया हूँ तो मेरे पास 3 वीज़ा के कार्ड हैं, तीनों के तीनों कार्ड यहाँ पे डिक्लाइन हो गए, पेमेंट उन्होंने कार्ड से लिया ही नहीं यार. तो अगर आप ताजिकिस्तान आ रहे हैं ना तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि आपको कैश लेके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना होगा, क्योंकि पूरी ये कंट्री कैश इकोनॉमी है. कार्ड मास्टर तो आप बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर पाओगे, वीज़ा कार्ड ही यूज़ करोगे, और वीज़ा कार्ड भी हर जगह नहीं चलता है. तभी सबसे पहले मैं गया हूँ बैंक में कन्वर्जन रेट को चेक करने के लिए. तो जो रेट ये लोग दे रहे हैं ना आप ये देखिए, आई थिंक $1 बराबर 10.95 सोमोनी यहाँ पे बैंक में रेट मिल रहा है. अब ये जो रेस्टोरेंट था जहाँ पे कल मैं आया हुआ था, एक बार मैं आप लोगों को इनसे मिला देता हूँ. हेलो, हाउ आर यू? गुड एंड यू? कल गाइस सबसे पहले जो प्लेस पे मैं आया हुआ था खाना पीना खाने के लिए ना, वो इस चितूर चिकन, फ्राइड चिकन एंड मोर में मैं आया हुआ था. तो ये लोगों भाई साहब ने काफ़ी मेरी हेल्प की. कैसे हेल्प की ये आप क्लिप देखिए. आते ही भाई चैलेंजेस के बहुत सारे शुरू हो गए हैं. वो है ये कि अभी तो यहाँ पे मुझे एक होस्टिंग मिली हुई है अपने कोई इंडियन भाई हैं, समीर जिनका नाम है, तो उनका मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ. मैं एक रेस्टोरेंट पर आया हुआ था खाने पीने के लिए यार, क्योंकि भूख काफ़ी तेज़ लगी, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है. थैंक्स बोलना चाहूँगा भाई का जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की यार. योर नेम ब्रदर? माय नेम इज नैमन. सॉरी, नैमन. या राइट. सो नैमन है यार जिन्होंने थोड़ा बहुत मेरी बात को समझा इंग्लिश में कि मुझे चाहिए क्या. तो इनका मेनू मैं दिखा देता हूँ. वैसे मेनू में इनके सारा कुछ नॉन वेजिटेरियन आइटम है. तो ये मुझसे बोल रहे थे कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो, पिज़्ज़ा में भी सारा कुछ मोस्टली नॉन वेज है. तो ये फलाफल इन्होंने कुछ रोल टाइप का बना के दिया हुआ है, और मैंने इनको एक्सप्लेन किया कि उसमें भाई आप आलू वगैरह डाल देना और सब्जी डाल देना, सलाद डाल देना ताकि मैं खा सकूं. और बाकी एक मैंने ये आइस टी करके कुछ लिया हुआ है, इसको आई थिंक मैंने उज्बेकिस्तान में भी गाइस चेक किया हुआ था, फ्यूज टी करके बोलते हैं. तो इसका प्राइस 6 सोमोनी इन्होंने चार्ज किया मुझे, और ये जो मैंने ऑर्डर किया ना ये है लगभग 20.
19 सुमोनी का, तो मेरा टोटल जो बिल आया है वो लगभग 26 सुमोनी के आसपास आया है, यानी इंडिया का 300-350 रुपये के बराबर हुआ। तो ये भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपने कभी लाइफ में चिकन नहीं खाया। मैंने इनको बोला नहीं खाया, अभी भी ये इस बात का इनको बिलीव हो ही नहीं रहा। ओके ब्रदर, तो ये डाउनटाउन एरिया जितना है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस डेवलप है यहाँ पे, और ये है इस एरिया का सबसे पॉपुलर तुर्किस रेस्टोरेंट, जिसको सुल्तान बे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मोस्टली सारे तुर्किस डेलिकेसी को अगर आपको एक्सपीरियंस करना, आप ज़रूर आइए। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है ये, और इसके ऊपर एक्चुअली रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल, तो नीचे सारे जैसे हमारे इंडिया में दुकानें होती हैं कि रेस्टोरेंट कैफेज ये सब, और ऊपर लोगों को रहने के लिए यूज़ किया जाता है। शाम्बे में भी ना अलमाटी की तरह ट्रैम को यूज़ करने के लिए उन्हें लेन अलग से बनाया हुआ, ये देखिए तार वगैरह ऊपर है। और ये यहाँ की मसरुखता जो खुजान शहर में थी, वो यहाँ दुशांबे में भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना गाइस, एक तो इस तरह की पीली टैक्सियों को आप यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ी सी महंगी है। फिर इसके बाद आता है मसरुखता, ये खुजान में भी मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें हर एक नंबर पड़ा होता है, एक एक स्पेसिफिक रूट होता है, उस रूट पे आप इसको लेके जा सकते हो। और इस तरह की बसेस हैं यहाँ पे लॉन्ग रूट के लिए, जो कि नंबर लगा हुआ है, आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सामने राइट हैंड साइड पे मेरे एक पार्क दिख रहा है गाइस, जिसको अलीसर नवोई पार्क बोलते हैं। बैंक हो गए, ये इनका सिम कार्ड वगैरह, टीसेल का ऑफिस है, चश्मे की दुकान, यानी ये सारा कॉमर्शियल प्लेसेस है पूरा सिटी सेंटर का। काफ़ी एडवांस है, काफ़ी डेवलप है, साफ़ सुथरा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, आप देखिए। सो कुछ ऐसा है दुशांबे शहर का बस स्टैंड। ब्रदर व्हाट इज दिस, मनी और दिस, व्हाट इज दिस, दिस मनी और रिचार्ज कार्ड फॉर बस? ओह, तो भाई ये एक्चुअली इन्होंने काफ़ी यूनिक सिस्टम लगाया हुआ है। ये एक तरह से मशीन है जहाँ पे आपको अगर रिचार्ज करना है मोबाइल का, बस के लिए पे करना है, अलग अलग जो सर्विसेज है ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं। टैप एंड पे का सिस्टम है पूरा, काफ़ी अच्छा है यार। मुझे ये पता नहीं था, मुझे लगा ये ATM है, बट ATM नहीं है। इसको यूज़ करके आई थिंक जैसे मोबाइल मनी का कॉन्सेप्ट होता है ना, उस तरह से आप अलग अलग पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से हर जगह आपको जूस वगैरह बेचने वाले मिल जाएंगे, अलग अलग आपको जूस फ्रूट्स के चाहिए तो वेंडिंग मशीन है। आइसक्रीम भी इस तरह से ये लोग आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के बेचेंगे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ताजिकिस्तान में ना, कि आपको आइसक्रीम खाना ही पड़ेगा। तो आइसक्रीम में भी अलग अलग फ्लेवर है, जो भी फ्लेवर आपको चाहिए वो फ्लेवर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ताजिकिस्तान कंट्री का एफिल टावर अगर आपको देखना है ना, तो आपको आना पड़ेगा इस दुशांबे के लोहती स्ट्रीट पे, और ये है वो एफिल टावर। एक्चुअली ये है रेस्टोरेंट, जो कि एक प्राइवेट ऑन प्रॉपर्टी है, और ब्रांड भी लिखा हुआ है देखिए सेठ ऐसा कुछ करके। तो ये मैंने कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में भी देखा था यार, बट कॉन्सेप्ट आप देखिए पूरा इसको लोहे का इन्होंने बनाया हुआ है, लिफ्ट लगाया हुआ है, लिफ्ट से ऊपर आप जा सकते हो। एक्चुअली ये खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह है कुछ वैसा, कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, कॉफ़ी लिंक आई थिंक ये कॉफ़ी वगैरह के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, सो दिस इज़ अ रेस्टोरेंट, दिस एफिल टावर विच गोज इन साइट, ओके फ्रॉम हियर इन साइट गो लिफ्ट एंड गो देयर। ओह शुक्राना। तो भाई ये देखिए लिफ्ट वगैरह लगा हुआ है, इस लिफ्ट को यूज़ करके आप इस ताजिकिस्तान के एफिल टावर के ऊपर से इस रेस्टोरेंट के अंदर आप जा सकते हैं। फिलहाल मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। तो दुशांबे शहर ना वैसे तो इस ताजिकिस्तान कंट्री का कैपिटल बोला जाता है, बट इसके साथ ही साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, साइंस और ट्रेडिंग जोन है पूरे ताजिकिस्तान कंट्री के लिए। यहाँ से ही सारी एक्टिविटी एक्चुअली होल्ड होती है, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज, मिनिस्ट्रीज, एम्बेसीज हैं वो दुशांबे में ही हैं। और ये है पूरा डाउनटाउन एरिया है यहाँ का, काफ़ी अच्छा है यार, मुझे तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। चारों तरफ आप देखिए अलग अलग हाई राइज बिल्डिंग, कैफेज, खाने पीने की दुकान, बैंक्स, ATMs, और यहाँ की गाड़ियाँ, टैक्सियाँ भी यहाँ पे ना अलग अलग कलर की हैं यार, पीली कलर की है, ग्रीन कलर की है। तो ये सामने सबसे बड़ा टावर आपको दिख रहा होगा गाइस, ये है ताजिकिस्तान का दुशांबे टावर, सबसे टॉलेस्ट टावर है इस पूरे ताजिकिस्तान कंट्री का। उतना बड़ा नहीं है या उतना डेकोरेटिव नहीं है जितना कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का टीवी टावर मैंने आपको दिखाया था। तो ये भी है एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है इस दुशांबे शहर के लिए। यहाँ पे ना दुशांबे में जितनी भी स्ट्रीटें हैं, सड़कें, वो इनके किसी न किसी एक नेशनल हीरो या प्रोमिनेंट पर्सन, हिस्टोरिकल पर्सन, या इनके सोल्जर, पोएट, राइटर, ऑथर,
किसी न किसी ऐसे यूनिक पर्सन के नाम पे सारी सड़कों का नाम रखा गया। तो यार अब मैं आप पहुंचा हूं इस दुशांबे शहर का सबसे मेन मॉल, जिसको दुशांबे मॉल के नाम से जाना जाता है, और ये है उसका बाहर का डिज़ाइन। तो देखते हैं इसके अंदर है क्या एक्चुअली। सो यहाँ पे इस दुशांबे मॉल को अहान या अशान मॉल के भी नाम से जाना जाता है। काफ़ी बड़ा है और आई थिंक पूरे दुशांबे शहर का सबसे लार्जेस्ट मॉल इसको बोलते हैं, यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेंटर। अब चलिए देखते हैं इस मॉल के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये है इसका मेन एंट्री और फर्स्ट गेट। इसके बाजू में ये हेलो बर्गर की एक दुकान है। एंट्रेंस तो छोटा है फिलहाल, बट अंदर कैसा है चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज फाइनली वेलकम टू दुशांबे मॉल, ताजिकिस्तान कंट्री के कैपिटल दुशांबे शहर का सबसे लार्जेस्ट, बिगेस्ट और लग्जरियस्ट प्रीमियम क्वालिटी का मॉल बोला जाता है। और ये मॉल के अंदर की ये कुछ दुकानें, कोलिन्स, जितने भी आई थिंक लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, ये सारे ब्रांड के आउटलेट यहाँ पे हैं। ये शूज़ वगैरह की शॉप्स बाजू में, यहाँ पे भाई ना लॉटरी का भी काफ़ी हिसाब किताब है। ये है इनका टीसेल मोबाइल, अगर आपको रिचार्ज वगैरह कराना है। बट भीड़ उतनी नज़र नहीं आ रही यार इस मॉल में, खाली खाली सा लग रहा है पूरा। ये सारे नीचे के जो ने अरोमा, ये भी एक चेन आउटलेट है खासकर लेडीज़ के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह अगर आपको परचेस करना है। और ये है यहाँ का मेन कॉम्प्लेक्स शॉपिंग सेंटर, ग्रॉसरी वगैरह अगर ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं। ये रहा एम मोबाइल, मोबाइल परचेस करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्राना, शुक्राना, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, हाय। सो यू आर फ्रॉम दुशांबे? दुशांबे, and this is the biggest mall in Dushanbe, right? Yeah, this is Ashan, yeah. Ashan. Biggest mall in Dushanbe. I saw this is in Khuzand also. No. Ashan. 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 It's a chain out chain market. No, Russian. Russian? Yeah. Oh, this, like it's from Russia. Yeah, from but Russia. But it's in Tajikistan. Yeah. Okay, nice. Your name? Shabnam. Shabnam? Yeah. Shabnam, we have so many names in India also, you know. Yeah. And you? Summer. Yeah. How about you? Hello. Hi. How? Surayo. Sorry? Surayo. Surayo. Yeah. Oh, you are also from Tajik, huh? Dushanbe. Oh, nice. Nice to see you all. Nice. So today is my first day actually. I'm a vlogger, I'm a YouTuber. And I'm traveling whole world on world tour. This is my 42 country so far I have traveled. So now I came to Dushanbe. You're welcome to Tajikistan. Thank you so much. Nice You're to see you all. Huh? Thank yes. you. थैंक यू। तो यार ये कुछ लोकल दुशांबे के लोग जिनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था। तो पूरा ज्वेलरी की दुकान है, ज्वेलरी भी काफ़ी ये लोग पहनते हैं भाई, खासकर लेडीज़ वगैरह, तो अच्छा है। अब ये इनके देखिए जो नेशनल मॉन्यूमेंट हैं, अगर उसका आपको टूर करना है ना, तो ये आपको पूरा हिसाब किताब यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हलक बैंक का ATM है, वीज़ा कार्ड, यहाँ पर भी वीज़ा कार्ड। तो मतलब अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो आप भाई सरवाइव कर लेंगे ताजिकिस्तान में, क्योंकि मास्टर कार्ड तो यहाँ पे चलेगा नहीं। और वीज़ा कार्ड भी ना हर जगह काम नहीं करता है, मतलब कुछ कुछ ATMs में ही आपका वीज़ा कार्ड ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, वरना तो भाई आप कैश लेके आओ। तो अब मैं आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे इस दुशांबे अशान मॉल के, और पहले ही भाई कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई, काफ़ी अच्छे से सजाया गया है यार, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए आई थिंक इनके जो भी नेशनल कलर हैं और फैब्रिक, उसको यूज़ करके इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी लगाया हुआ है इन्होंने। और इधर तो भाई अवतार मूवी को इन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ है। तो ये भाई साहब आप देखिए। ओ यू स्पीक इंग्लिश नाइस, हाउ आर यू? थैंक यू, एंड यू? आई एम फ्रॉम हिंदुस्तान, बॉम्बे। आई एम अ ब्लॉगर, यूट्यूबर। टुडे इज़ माई फर्स्ट डे इन ताजिकिस्तान, इन योर सिटी दुशांबे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो हाउ आर यू? I am fine. Yeah, you are looking beautiful. Thank you so much. Thank you. So this is your shop, huh? So you sell male and female for both, all the products, cosmetic products. So it's only cosmetic for body, for clean cosmetics, and for hair. Okay, so this is a Russian brand. Yeah, yeah. Not Tajikistan. No. Why are you not selling Tajikistan brand? Why promoting only Russia brand? Tell me. I don't like Tajikistan. Then? Tajikistan, really? I like Tajikistan, but
Tajikistan has brands is Valna and Rolex. Yeah. Okay, so you are from Dushanbe? Yep. Okay, do you know something about India? India, I know. What do you know? Something? India, but actors on Shah Rukh Khan. Wow, mashallah. Yep, thank you. And now actress. Actress. Yeah. Any actress name which you can tell me? Priyanka Chopra. Nice. Yeah. Very good. And Kajol. Kajol, yeah. Very beautiful. Yeah. Okay. You know? Any song which you know, which you can sing? No, I don't know. Okay, about Indian girl dress. Do you know something about Indian dress? No. Especially for girls. Sari, you don't know? No. Sari, how they tear female? I know sari, but I know. You never? Never. Okay. Dushanbe, na, abhi jis time pe main aaya hoon, ye inka summer hai. So I think Tajikistan ka summer hamare summer se almost milta julta hai. Thoda sa hum aage hain, yani hamare yahan abhi barish wagaira ho chuki hai. To इनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा, तो इनको तो भी बॉलीवुड के ही बारे में पता है. डू यू नो एनी इंडियन फूड? नो. हैव यू हर्ड अबाउट बिरयानी? यू लव पुलाव? योर पुलाव? पुलाव, योर ताजिक पुलाव? पुलाव, यस आई नो. इन इंडिया वी कॉल बिरयानी, बट इंडियन बिरयानी? नो. यू नॉट? यू लाइक स्पाइसी? नो. नो. No. Oh my God! That's why you are beautiful. Thank you. Thank you so much. Okay, it's a nice bye. Meeting you. Yeah? Bye. Nice to meet you. Yeah, same here. तो okay. ये थी यार जिनसे मैं लोकल बात करने की कोशिश कर रहा था. तो रशियन ब्रांड है. बाकी ये देखिए, अब ये कोरिया की शॉप मुझे दिख गई. सो 1929 से लेके 1961 के आसपास तक, जब ये सोवियत का आई थिंक पार्ट था, तो इसको स्टेनलिना बात के भी नाम से जानते थे दुशांबे को. और ये अभी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लाइंस की सबसे बड़ी शॉप है. ये भी एक चेन आउटलेट है, रशियन ब्रांड ये भी है भाई, बट यहाँ पे अलग अलग देखिए, निकॉन, पैनासोनिक, हर एक ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो गाइस, इस वोल्ना की शॉप में मैं एंटर किया हूँ, तो सबसे पहले आज की टू का गाना वो लोग प्ले कर रहे थे, तो मैं तो शॉक में हो गया कि कहीं मेरे वेलकम में थी वो लोग नहीं बजा रहे हैं. बाकी US पोलो ये भी ब्रांड है यहाँ पे. इस तरफ फ्लो, ये पूरा शूज़ के लिए है पॉपुलर. अलग अलग वैरायटी के शूज़ हैं यहाँ पे. काफ़ी बड़ा मॉल है यार, मुझे लग रहा था छोटा होगा, बट है काफ़ी बड़ा. तो ये है यहाँ का फूड कोर्ट इस दुशांबे मॉल का गाइस. अब यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा है, आप देखिए काफ़ी स्पेसियस है. तो खाने पीने के लिए आई थिंक सारा फास्ट फूड के अलग अलग वैरायटीज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे. तो सबसे पहली शॉप जो मुझे दिखी है, लिखा किस लैंग्वेज में, आई थिंक रशिया में लिखा हुआ या ताजिक में लिखा हुआ, ये तो नहीं समझ आ रहा, बट फास्ट फूड है. ये भी है फास्ट फूड. यहाँ पे मोस्टली आई थिंक इनका सूप और राइस के आइटम और बेवरेजेस. शॉप का नाम तो मुझे भाई समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ के बताओ. फिश है आई थिंक, ये बाउल वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू स्पीक इंग्लिश? थोड़ा बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं. ये है इनका एक्चुअली मेनू, तो ये चाइनीज़ और आई थिंक जापान. जापान, ओ यू स्पीक, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज साइद मोहम्मद. सॉरी, साइद मोहम्मद. साइद मोहम्मद, दिस इज मोस्टली जापानीज फूड? यस, जापानीज फूड. तो ये भाई पूरा सुशी का हिसाब किताब है. यू हैव इटालियन आल्सो? यू हैव इटालियन पिज़्ज़ा आल्सो? ओके, सो इट भाई साहब, वेरी डिलीशियस पिज़्ज़ा, वेरी डिलीशियस, एंड यू आर वेरी हैंडसम. तो भाई, हेलो, हाउ आर यू? ओ, तो ये एक्चुअली इटालियन प्लस जापानी यानी सुशी फूड दोनों का कॉम्बिनेशन है. ये है मैक्स बीफ बर्गर. तो भाई, बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो और कुछ भी हो, हर एक आइटम में तो बीफ होना ही होना है. कि आप ऑर्डर करिए इनमें से किसी भी एक शॉप से, और आके आप ये कॉमन जो इनका शेयरिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ के खाना पीना खा सकते हैं. ये एक छोटी सी शोवेनियर की दुकान भाई, अलग अलग मैग्नेट, स्पाइडर मैन, मिक्की माउस, डोनाल्ड, ये सारा कुछ यहाँ पे बिक रहा है. बर्गर एंड पिज़्ज़ा सिंस 2014. इधर बर्गर वैक्स, तो फिलहाल अभी मुझे भूख नहीं लगी है, तो मैं वापस, अगर मुझे कुछ खाना पीना हुआ तो मैं आपको यहाँ पे ला के दिखाऊँगा. तो ये रहा दुशांबे मॉल इस ताजिकिस्तान के कैपिटल दुशांबे शहर का.